शिव राधानी, हिंदू समिति का आजीवन सदस्य हूँ मैं। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप? मामला ये है कि हिंदू समिति के चुनाव जो पिछले 4-5 साल से लंबित थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए थे। उन निर्देशों के पालन में जो है कुछ लोग अपनी मर्जी से प्रशासन के समक्ष उपस्थित हो गए। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से चुनाव अधिकारी डिक्लेयर कर दिया, जबकि नियमानुसार समिति की बैठक आयोजित करके उसके अंदर चुनाव अधिकारी नियुक्त होना था, चुनाव की घोषणा होनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से चुनाव कार्यक्रम तय करके और 8-8 सदस्यों को चुनाव लाद दिया। तो क्या अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति, अभी हमने माननीय कलेक्टर साहब को रजिस्टर फॉर्म सोसाइटी महोदय को पत्र दिया, अगर पत्र पे कार्रवाई नहीं होती तो हम माननीय उच्च न्यायालय जी से निवेदन करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया रद्द करी जाए और नए सिरे से प्रक्रिया रजिस्टर फॉर्म सोसाइटी के अंडर में कराई जाए। क्या डर क्या है बेसिकली आपको ये चुनाव होते हैं, क्या कर लिया? डर कुछ नहीं है, हिंदू तो समिति एक शहर की प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था है। हमारा बस निवेदन यही है कि समिति की साख के अनुरूप जो है चुनाव करवाए जाएं, सब सदस्यों को भरोसे में लिया जाए, ताकि समिति की छवि जो बनी हुई है पिछले 60-70 सालों से छवि धूमिल न हो और कुछ लोगों की स्वयं संस्था बनने से उसको रोका जाए। कितने सदस्य हैं और कितने लोगों को इसकी सूचना दी गई होगी अंदाजन? सूचना तो किसी को दी नहीं गई, नियमानुसार जो पत्र जारी होकर सदस्यों को सूचना देनी थी, मुझे लगता है वो पत्र भी इन लोगों ने जारी नहीं किया था। एक कमरे में बैठ के इन्होंने जो है चुनाव की घोषणा कर दी, चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो अभी कितने आजीवन सदस्य होंगे समिति के? तकरीबन 8,800 कुछ आजीवन सदस्य हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि 80 सदस्यों के बाद भी इस बैठक के संबंध में कोई जानकारी हो। तो एक नागरिक के नाते आप क्या चाहते हैं कि इसको तत्काल रोका जाए, चुनाव प्रक्रिया रद्द करी जाए, चुनाव प्रक्रिया रजिस्टर फॉर्म सोसाइटी के अंडर में जो है नियमानुसार करवाई जाए। जो उसका नियम है कि साहब पहले समिति की बैठक होगी, उसके अंदर चुनाव अधिकारी नियुक्त होगा, अध्यक्ष की सहमति से बैठक होगी, उसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव अधिकारी करेगा। राजनीति तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ लोग जो उसको अपनी जेबी संस्था बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व समिति का जो एक प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करके जो है उसको जेबी संगठन बनाना चाह रहे हैं, जिससे लग नहीं रहा कि हिंदुत्व समिति अपने पुराने स्वरूप में जो है वापस चल पाएगी। इसकी कंप्लेंट आपने और भी कहीं करी है प्रशासन में? प्रशासन ने, मैंने SDM महोदय को दिया जिनको उन्होंने चुनाव अधिकारी नियुक्त कराए, माननीय कलेक्टर महोदय ने, और उप रजिस्टर फॉर्म सोसाइटी को दिया, रजिस्टर फॉर्म सोसाइटी के पास सोमवार को आवेदन लगाऊंगा मैं।